गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। तो इससे पहले मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा के बारे में बोल चुकी हूँ, उसका क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो जो मेरा प्ले लिस्ट है फर्स्ट सेमिस्टर का, उसमें मैं ऑलरेडी जो जो भी क्लास मैं कर रही हूँ उसका मैं वीडियो सेव कर रही हूँ प्लेलिस्ट में, तो आप लोग जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर कोई लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जानना है या फिर मेरे साथ अगर कोई कांटेक्ट करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज के क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं, उससे पहले जो भी मेरे क्लास में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए, क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप लाइक एंड शेयर करेंगे। और ये क्लास सिर्फ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं है, जो लोग लेक्चरशिप के लिए, पीजीटी के लिए या लैब असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। उसके साथ जो लोग सीपेट और या फिर जो पीजी एंट्रेंस के लिए कोई भी अगर प्रिपरेशन हो रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो किसी भी तरह का आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पेक्ट से ये वीडियो, ये क्लास हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए, तो आज देखेंगे हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा, जिसका कि क्लासिफिकेशन। तो प्रीवियस क्लास में जैसे हमको पता है कि किंगडम प्रोटिस्टा, इसका दो सब किंगडम है या और इट इंक्लूड टू सब किंगडम, दैट इज फर्स्ट इज सब किंगडम प्रोटोजोआ एंड सेकेंड इज सब किंगडम प्रोटोफाइटा। तो अगर हम लोग देखें सब किंगडम प्रोटोजोआ को, तो सब किंगडम प्रोटोजोआ जो है इसका चार फाइला है और फाइलम है, जिसमें कि फाइलम वन में आता है आपका सार्कोमास्टिगोपोरा, सेकेंड फाइलम में आ रहा है एपी कॉम्प्लेक्सा, और थर्ड नंबर आपका फाइलम में आ रहा है माइक्रोस्पोरा, और फोर्थ फाइलम में आ रहा है फोर्थ नंबर फाइलम में आ रहा है आपका जो है सीलियोफोरा। तो फर्स्ट फाइलम जो सार्कोमास्टिगोफोरा है, उसके बारे में अगर उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखें, तो देखो इसमें है फ्लाजेला रहता है और स्यूडोपोडिया रहता है। तो पहले मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, फ्लाजेला और स्यूडोपोडिया दोनों ही आपका लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर सार्कोमास्टिगोपोरा में आपका लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लाजेला हो सकता है या फिर स्यूडोपोडिया हो सकता है, लेकिन दोनों या तो फिर लोकोमोटर ऑर्गन की तरह हेल्प कर सकते हैं और फीडिंग ऑर्गेनेल की तरह भी हेल्प कर सकते हैं। अर्थात ये लोग फीडिंग में भी क्या करते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अगर सेकेंड देखें तो सेकेंड पॉइंट है सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस, जिसको कि हम मोनोमॉर्फिक भी बोलते हैं। फर्दर अगर देखें फाइलम सार्कोमास्टिगोपोरा डिवाइड इनटू टू सब फाइला, दो सब फाइला में डिवाइड किया गया है। क्या है, फर्स्ट सब फाइला है मास्टिगोपोरा और जो सेकेंड है उसको बोलते हैं सार्कोदिना। सब फाइलम मास्टिगोपोरा अगर देखें तो पोजेस फ्लाजेला आज एडल्ट ऑर्गेनेल। तो यहाँ पर मास्टिगोपोरा में फ्लाजेला है सिंपल एंड प्रिमिटिव पेलिकल्स। तो पेलिकल क्या है, पेलिकल है जो जो ऑर्गेनिज्म का जो आउटर लेयर है बा आउटर कवरिंग को हम पेलिकल बोलते हैं। तो इन लोगों का जो पेलिकल है सिंपल और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या है, जो कि आपका एडवांस स्टेज है, मतलब सबसे पहले है ना। प्रिमिटिव मतलब क्या है, एडवांस स्टेज, और सबसे पहले जो उन लोगों का आउटर कवरिंग होता है उसको पेलिकल बोला जाता है। और अगर इनका न्यूट्रिशन देखा जाए तो न्यूट्रिशन या तो फिर ऑटोट्रॉफिक हो सकता है और हेटरोट्रॉफिक हो सकता है। तो प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ जो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं अपना खुद का खाना मैन्युफैक्चर करते हैं और सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। एंड हेटरोट्रॉफिक मीन्स दे डिपेंड ऑन
फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म और अदर प्लांट्स, ठीक है। तो ये लोग दोनों की तरह होते हैं, या तो फिर ये लोग खुद का खाना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर अपने खाने के लिए बा न्यूट्रिशन के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट के ऊपर ये लोग डिपेंड करते हैं। तो दोनों, या तो फिर दोनों ही एक साथ देखा जा सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर उसके बाद देखें फर्दर, जो मास्टिकोपोरा है ये दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास वन में है फोटो मास्टिकोपोरा, सॉरी फाइटो मास्टिकोपोरा, और क्लास टू में है जू मास्टिकोपोरा। तो अगर सबसे पहले देखें फाइटो मास्टिकोपोरा, तो फाइटो मास्टिकोपोरा ये जो फ्री लिविंग होते हैं प्लांट लाइक फ्लैजेलेट, तो इन लोगों का ये लोग फ्री लिविंग होते, ये लोग बिल्कुल पैरासाइटिक नहीं है, या फिर कहीं पर एक जगह पर नहीं रहते, ये लोग फ्री लिविंग रहते हैं। इसका मतलब ये लोग मेराइन भी हो सकते हैं, या तो फिर फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, और ये लोग प्लांट लाइक होते हैं, इन लोगों का फ्लैजेला रहता है। फिर उसके बाद विथ और विदाउट क्रोमोप्लास्ट, तो इन लोगों का क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है या फिर एब्सेंट हो सकता है, तो दोनों देखा जा सकता है। वन और टू फ्लैजेला, तो इन लोगों का एक फ्लैजेला हो सकता है या फिर दो फ्लैजेला हो सकता है, और इन लोगों का जो न्यूट्रिशन है होलोफाइटिक बाय फोटोट्रॉपी। तो होलोफाइटिक क्या है, तो प्रीवियस क्लास में मैं बोल चुकी हूँ, होलोफाइटिक मतलब जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं अपने खुद का खाना, उन लोगों को होलोफाइटिक बोला जाता है। तो कैसे उन लोगों करते हैं, जिन लोगों का फोटोट्रॉपी प्रोसेस में करते हैं, जिन लोगों का क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और ये लोग अपना खाना को क्या करते हैं, ये लोग प्रिजर्व करते हैं, और रिजर्व करते हैं आज स्टार्च और पारा माइलम हिसाब से वो लोग स्टोर करके रखते हैं। तो मैं पहले से बोल चुकी जो ऑटोट्रॉफी होते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल ले तो वो होगा यूग्लिना, या तो फिर क्लाइमाइडोमोनास और वोल्वॉक्स। अगर यूग्लिना देखे तो यूग्लिना आपका कौन से ऑर्डर में जाता है, यूग्लिनो सॉरी यूग्लिनिडो, ठीक है। और क्लाइमाइडोमोनास और वोल्वॉक्स जाते हैं वोल्वोसीडा ऑर्डर में जाते हैं, तो ये दोनों इसका ऑर्डर है। क्योंकि हमारे सिलेबस में देखा जाए तो अप टू क्लासिफिकेशन अप टू क्लास तक है, इसलिए हम लोग ऑर्डर को नहीं देख रहे, फिर भी आप लोगों को जानने के लिए मैं यहाँ पर ऑर्डर को यहाँ पर दे दिया हूँ। अगर क्लास टू देखा जाए, तो क्लास टू अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है जू मास्टिकोपोरा देखा जाता है। उसके बाद इन लोगों का क्या होता है, जू मास्टिकोपोरा में क्या होता है, ये लोग फ्लैजेलेट होते हो सकते हैं, नेदर इन लोगों का क्रोमोप्लास्ट होता है और नॉर ल्यूकोप्लास्ट होता है। इन लोगों का ना क्रोमोप्लास्ट होता है नॉर ल्यूकोप्लास्ट होता है, इन लोगों का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और ये लोग बेसिकली देखिए मास्टिकोपोरा जो होता है वो लोग फ्री लिविंग रहते थे, मास्टिकोपोरा जो होता है फ्री लिविंग रहते थे, लेकिन जू मास्टिकोपोरा क्या होता है, ये लोग कॉमनसल और सिम्बायोन और पैरासाइटिक फॉर्म में रहते हैं। इसका मतलब ये लोग किसी और होस्ट के अंदर या बाहर रहते हैं, और उन लोगों से वो लोग खाना खाते हैं और डिपेंड करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और इन लोगों का जो फूड होता है वो कौन से फॉर्म में रिजर्व रहता है, जो कि ग्लाइकोजन फॉर्म में, लेकिन मास्टिकोपोरा में कैसे रहता था, पारामाइलम और स्टार्च के हिसाब से वो लोग स्टोर करके रखते थे, लेकिन जू मास्टिकोपोरा ग्लाइकोजन के हिसाब से स्टोर करके रखते हैं। इन लोगों का अगर एग्जांपल देखा जाए लेस्मानिया और ट्रिपानोसोमा, जो कि कौन से ऑर्डर में आते हैं, ज्यादातर काइनेटोप्लासिडा फाइलम से आते हैं। उसके बाद अगर ट्राइकोमोनास देखा जाए तो ये ट्राइकोमोनास डिडा फाइल जो फाइल ऑर्डर से आते हैं, ये लोग सब ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर है। और अगर जियाडिया देखा जाता है तो जियाडिया होता है जो कि डिप्लोमोनाडिडा ऑर्डर से बिलोंग्स करते हैं। तो ये लोग ये सब क्या है, ये सब पैरासाइट है, ये सारा पैरासाइट है, ठीक है। इन लोगों के बारे में भी अगर हो सकता है तो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, फिर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी कि ये लोग किस तरह से पैरासाइट है, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर देखें सेकेंड फाइलम की तरफ जाए तो सेकेंड फाइलम जो है वो है फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा। तो इसका सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, ठीक है, कॉमन एग्जांपल है प्लाज्मोडियम एपिकॉम्प्लेक्सा का, ठीक है। तो बेसिकली मोस्टली नॉन स्पोरोजोन, क्योंकि प्लाज्मोडियम को हम लोग स्पोरोजोन भी बोलते हैं क्योंकि उन लोगों का स्पोर भी रहता है, ठीक है। मैच्योर प्रोटोजोइट स्मॉल एंड इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो ज्यादातर इन लोगों का जो मैच्योर ट्रोपोजोइट होता है वो स्मॉल होता है और इंट्रासेलुलर होता है। इन लोगों का सीलिया, फ्लाजेला, स्यूडोपोडिया कुछ भी नहीं रहता। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्यों इन लोगों का लोकोमोटरी ऑर्गान या फिर फूड ऑर्गान अगर नहीं है तो ये लोग कैसे इन लोगों का लोकोमोशन कैसे होगा या फिर ये लोग फूड को कैसे इंटेक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि एपिकॉम्प्लेक्सा में जो भी है ज्यादातर ये लोग पैरासाइटिक फॉर्म में रहते हैं, तो पैरासाइटिक फॉर्म में जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो लोग उन लोगों को क्या होता है खाने के लिए वो लोग होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। खुद से उनका खाने का कोई ऑर्गेनेल की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग डायरेक्ट खाना जो खाने के लिए वो लोग होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है इन लोगों का कोई मूवमेंट नहीं होता, वो एक जगह पर फिक्स होकर होस्ट के अंदर या बाहर रहते हैं। क्योंकि इन लोगों को ये लोग क्या लोकोमोशन की कोई जरूरत नहीं है इसीलिए उन लोगों का सीलिया, फ्लाजेला और स्यूडोपोडिया नहीं रहता है। दे आर मोस्टली पैरासाइटिक। द फाइलम हैज टू क्लासेस। फिर अगर फर्दर देखें तो ये जो फाइलम है ये दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास वन में स्पोरोजोआ और क्लास टू में पायरो प्लाज्मेया। तो स्पोरोजोआ अगर देखें तो क्लास वन में ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इन लोग अगर देखा जाए ट्रोपोजोइट आर लार्ज इन सब क्लास, क्या होता है इन लोगों का दो सब क्लास है, ठीक है। तो अगर सब क्लास वन में देखे ग्रेगारिनिया तो वहां पर ट्रोपोजोइट वो लोग लार्ज रहता है, लेकिन और लास्ट रहने के साथ साथ ये लोग एक्स्ट्रा सेलुलर भी रहते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज छोड़ती हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जे सब क्लास ग्रेगारिया सॉरी ग्रेगारिनियार में इन लोगों का ट्रोपोजोइट लार्ज होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। लेकिन अगर हम लोग कोकिडिया सब क्लास देखे तो यहाँ पर इन लोगों का ट्रोपोजोइट स्मॉल होता है और इंट्रा सेलुलर होता है, ठीक है। ट्रोपोजोइट स्मॉल होता है और इंट्रा सेलुलर होता है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर क्लास टू में देखा जाए पायरो प्लाज्मिया तो ये लोग भी पैरासाइट रहते हैं, कैसे, जो कि आरबीसी में जो वर्टिब्रेट्स होते वर्टिब्रेट्स के आरबीसी में रहते, लेकिन ये लोग टिक के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, ट्रांसमिट किया जाता है और ट्रांसमिटेड बाय टिक, ठीक है। टिक इन लोगों को ट्रांसमिट करते हैं और इन लोगों का कोई स्पोर नहीं रहता, इन लोगों का कोई स्पोर नहीं रहता है। लेकिन अगर प्लाज्मोडियम को देखें तो प्लाज्मोडियम किस भी आरबीसी में ही रहता है, ह्यूमन का लीवर और आरबीसी में प्लाज्मोडियम रहते हैं, लेकिन उन लोगों को ट्रांसमिटेड कौन करता है, जो कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पायरोप्लाज्मिया में टिक से ट्रांसमिट होता है क्या ये पैरासाइट, ठीक है, और इन लोगों का कोई स्पोर नहीं रहता। एग्जाम्पल है बाबेसिया, ठीक है। अगर फाइलम थार्ड देखे तो ये माइक्रोस्पोरा, तो इट कंटेन इंट्रासेलुलर पैरासाइट स्पेशली इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट के अंदर देखा जाए तो इंसेक्ट का जो सेलुलर सेल होता है तो सेल के अंदर ये पैरासाइट को देखा जाता है, तो इसीलिए इन लोगों को इंट्रासेलुलर पैरासाइट बोला जाता है। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग फर्दर जो डिराइव होते हैं वो लोग स्पोर से डिराइव होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरा, इसीलिए इसका नाम ही माइक्रोस्पोरा आया, क्योंकि ये लोग स्पोर से डिराइव होते हैं या फिर स्पोर इन लोगों के अंदर स्पोर होता है, ठीक है, इसीलिए इन लोगों को माइक्रोस्पोरा बोला जाता है। फर्दर अगर देखा जाए इसका अगर एग्जाम्पल देखें नोसेमा है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अभी इन लोगों का कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है। फर्दर अगर देखें तो फाइलम फोर देखें तो सीलियोफोरा,
सीलियोफोरा क्या है? दे आर एनिमल लाइक, एग्जिबिट ए वेरी हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनेल डेवलप। इसका मतलब ये लोग, इन लोगों का क्या होता है, ये लोग जितने भी जो प्रोटोजोआन है और प्रोटिस्टा है, सबसे ज्यादा सीलियोफोरा में हाईली डेवलप्ड देखा गया है, इसीलिए इन लोगों को एनिमल लाइक बोला गया है और इन लोगों का जो ऑर्गेनेल है वो हाईली डेवलप है। दे पोजेस सीलिया, इसीलिए इसका नाम सीलियोफोरा आया, क्योंकि इन लोगों का सीलिया होता है फॉर लोकोमोशन एंड इन मेनी स्पेसीज फॉर सस्पेंशन फीडिंग, और फीडिंग के लिए भी सीलिया हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर सीलिया दो काम कर रहा है, एक तो लोकोमोशन, मेनली लोकोमोशन के लिए भी हेल्प कर रहे हैं, उसके साथ साथ फीडिंग के लिए भी सीलिया हेल्प कर रही है। तो इसीलिए अगर दो काम यहाँ पर हो रहा है, दो फंक्शन हो रहा है, इसलिए ये फाइलम सीलियोफोरा में जा रहा है। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय ट्रांसवर्स फिशन एंड सेक्सुअली बाय कॉन्जुगेशन। तो इन लोगों का दो तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है, या तो फिर ये लोग असेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, जहां पर ट्रांसवर्स फिशन होता है, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे जहां पर कॉन्जुगेशन होता है। तो आप लोगों का प्रोटिस्टा का रिप्रोडक्शन के बारे में भी है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं रिप्रोडक्शन के बारे में बोलूंगी, वहां पर मैं फिशन और कॉन्जुगेशन क्या है उसके बारे में मैं ज्यादा एलाबोरेट से बोलूंगी। अभी यहाँ पर फिशन क्या है वो मैं बोल देती हूँ, जहां पर कि एक चीज है, यहाँ पर एक सेल है, वो सेल क्या होता है, उसका डिवाइड होकर दो सेल, दो से तीन, चार सेल, चार से आठ सेल, इस तरह से मल्टीपल ट्रांसवर्स फिशन होता है। लेकिन कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन है दो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक दूसरे से अटैच होते हैं, और अटैच होने के बाद उन लोगों में से, उन लोगों के अंदर कुछ मेटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक्सचेंज होता है, जहां से इन लोगों का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इसको सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। तो इसी तरह से इन लोगों का होता है। अगर देखा जाए ये जो फाइलम फोर है, ये फिर तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास वन में जो कि काइनेटो फैग्मिनोफोरा, क्लास टू है ओलिगो हेमेनोफोरा, और क्लास थ्री में है पॉली हेमेनोफोरा। तो क्लास वन अगर देखे काइनेटो फैग्मिनोफोरा, तो यहाँ पर देखो ओरल रीजन में इन लोगों का क्या होता है, सीलिया रहता है, लेकिन ये लोग कंपाउंड सीलियरी ऑर्गेनेल नहीं है, कंपाउंड फॉर्म में नहीं रहते ये लोग, ठीक है, ये लोग सिंपल फॉर्म में रहते हैं, ये लोग कंपाउंड फॉर्म में नहीं रहते, ठीक है, लेकिन इनका ओरल रीजन में सीलिया रहता है। उसके बाद अगर देखा जाए इसका एग्जांपल, तो बालांटिडियम जो कि सिम्बायोट फॉर्म में रहते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं। क्लास टू में देखें तो ओलिगो हाइमेनोफोरा, जहां पर ओरल अपर्चर यूजुअली वेल डेवलप, यहाँ पर वेल डेवलप है, ठीक है, और कंटेन कंपाउंड सीलियरी ऑर्गेनेल, यहाँ पर इन लोगों का कंपाउंड रहता है, ठीक है, इन लोगों का कंपाउंड रहता है, जहां इसका एग्जांपल है पारामेशियम, ठीक है, पारामेशियम इसका एग्जांपल है। अगर क्लास थ्री देखे पॉलीहाइमेनोफोरा, तो इन लोगों का क्या होता है, ओरल रीजन विथ कॉन्स्पिक्यूअस एडोरल जोन, जोन दो बार हो गया, जोन ऑफ बुकल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इन लोगों का क्या होता है, सिलिएशन भी है, और बोथ स्पेसिस विथ कंपाउंड ऑर्गेनेल भी देखा जाता है, जिसको हम लोग सीरी बोलते हैं, सी आई आर आर आई, सीरी भी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है क्या, स्टंटर, ठीक है, इसका एग्जांपल है स्टंटर। तो ये रहा क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, फिर भी जितना मेरे तरफ हुआ मैं आप लोगों को क्लियर करने के लिए कोशिश किया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एक नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक थैंक यू।